नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो में दो शानदार कटड़ी आप सब पशुपालक भाइयों को दिखाएंगे और एक साधारण किसान की मेहनत हम कह सकते हैं। जिला रेवाड़ी से, गाँव है लाला रोडाई और एक ही लोकप्रिय चेहरे अजीत नंबरदार सर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं घर आंगन में दो शानदार जो कटड़ियाँ हैं वो इन्होंने तैयार करी हैं जी। और देखें काफ़ी हाइट लेंथ की ज़बरदस्त जो कटड़ियाँ हैं वो इन्होंने तैयार करी हैं। तो एक रेफरेंसिक तौर की एक वीडियो, एक हौसला अफजाई मात्र दूसरा हमारा जो वीडियो है उसको सीधा सीधा दिखाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो आम पशुपालक हैं या फिर जो युवा डेयरी किसान हैं उनके मन में एक जिज्ञासा ज़रूर रहती है कि उनके घर आंगन में भी अच्छी किस्म के जो काफ हैं वो तैयार हो सके। और उसी की तर्ज पे ये वीडियो लेकर के आए हैं। जानेंगे खान पान में क्या कुछ देते हैं, क्या कुछ उम्र है। और देखिए पहलवान और जो काफ हैं वो अपने घर में ऐसे ही तैयार नहीं होते, काफ़ी सारा समय, काफ़ी सारी जो लागत है वो और खान पान है उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मिलवाना चाहूँगा अजीत सर से, जानेंगे डिटेल्स। नमस्कार अजीत सर, कैसे हो जी आप? तो सबसे पहले सर शुभकामनाएं आपको कि इस तरह की जो कटड़ियाँ हैं वीडियो के माध्यम से इतने अच्छे काफ आपने तैयार करे। क्या कुछ शुरू करेंगे सर यहाँ से, क्या कुछ उम्र है इसकी? भाई 7 महीने 16 दिन। आज 7 महीने 16 दिन, ठीक है। और खान पान में क्या कुछ दे रहे हो अभी? अब तो फीड ही चल रही है जी, फीड चल रही है। गीवा का दलिया, हाँ, और बिंदोड़े खड़े। अच्छा, 2-2 लीटर दूध है जी, 2 लीटर सुबह, 2 लीटर शाम। माँ के नीचे ही पीती है अभी भी, माँ के नीचे पीती है। ये देखें 7 महीने की उम्र में जो काफ है, ये देखें शांत स्वभाव, काफी शानदार। और कटड़ी देखें जी, तूफान की है जी, तूफान कुंगड़ जो पवन सर के पास है उनकी जो सीमन स्ट्रो थी वो इन्होंने यूज़ करी थी। और तूफान की काफ़ी शानदार जो कटड़ी है वो देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। और ये देखें जी हाइट लेंथ, जितना मैं इसके बारे में बखान करूं। अरे क्या कर रहा है बेवकूफ, यो टीका तो कति जहर का टीका है, यो मत लिया। सही टाइम पर दूध ना देना, मेरा आगे कान पकड़ लिया। बात देवा देवा नहीं, तुमने सारे भाइयों ने बताऊं अपने पशुओं ने एलडीएम पाओ, समय पर पसाओ और टाइम पर सही दूध पाओ। या एलडीएम ना रेक मेडिकल स्टोर पर मिलेगी और ऑनलाइन मंगाने खातर अमेजोन और फ्लिपकार्ट का प्रयोग कर सको हो। और जब और भी कम कसर रहेगी हो ना, 80 595 37 हजार में फोन कर। दोनों ही फर्श काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी लाजवाब इन्होंने अपने घर आंगन में तैयार करी हैं। पीठ पुट्ठा देखें, हाइट लेंथ देखें, सिर्फ और सिर्फ 7 महीने की उम्र में। नीचे से थन पासे वगैरह हैं। अजीत सर एक बार थोड़ा सा करा के देखिए, ये देखें जी काफ़ी शानदार, बहुत बढ़िया। एक बार खोल लें इसको, थोड़ा सा चाल चलन है वो भी वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाना चाहेंगे। काफ़ी शानदार ही फर्श हैं। माँ के नीचे अभी भी दूध पी रही थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। ये देख सकते हैं जी, कोई तोड़ कोई जवाब नहीं है। ये देखें, और एक युवा चेहरे हैं, खरीद बेच का थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। काफ़ी संख्या में जो इनके यहाँ पे है वो आपको पशुधन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है रोज़ वीडियोज़ आती हैं या रोज़ पशु बेचते हैं, महीने में 1 पशु 2 पशु। अजी सर कितने पशु बेच लेते हो? 2-3 पशु महीने में बेच लेते हैं। ये देखें जी काफ़ी बेहतरीन कटड़ी। और एक नॉर्मल, इसको नॉर्मल डाइट में तैयार किया है। कोई अजीत सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कोई काफ प्लान या फिर कोई सप्लीमेंट्स जो आजकल मार्केट में देते हो, कितना देते हो? अभी भी देते हो? अभी कितना? 1 चम्मच। अच्छा, 1-1 स्कूप जो 50 ग्राम की है करीब करीब वो। ये देखें जी काफ प्लान, उसके अलावा और कोई सप्लीमेंट? और कोई सप्लीमेंट नहीं। एक और जो कटड़ी है आपके पास, एक बार उसका और डिटेल्स बताएं। एक और देखें जी काफ़ी शानदार हीफर है वो, M 416 HLDB का जो सीमन है वो देखें जी, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट। M 416। सबसे पहले पूंछ देखें, एक भी बाल सफ़ेद नहीं, प्योर जो जेड ब्लैक टेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। M 416 की क्या कुछ उम्र है इसकी? 12 तारीख की 1 साल और 19 दिन हो गए जी। एक साल 19 दिन 12 तारीख को जन्म हुआ था इसका। ठीक है, आज 31 मई को जो वीडियो है मैं कवर कर रहा हूँ। M 416 की काफ़ी सुंदर जो फीमेल काफ है, ये भी ये देखें जी। तो इसको क्या कुछ दूध वगैरह पिलाते हो? दूध नहीं है जी इसको। अच्छा, कोई दूध नहीं, ठीक है। तो फीड में क्या वही नॉर्मल डाइट? वही नॉर्मल डाइट। इसकी माँ ये वाली है, इसकी मदर देखें जी, काफ़ी शानदार। और अर्जुन कुंगड़ पवन सर के पास ही है, उसी की बेटी। और ये तूफान कुंगड़ की जो बेटी है वो। क्या कुछ दूध दिया है अजीत सर इसने? 20 किलो 600 ग्राम। अच्छा दांत है जी, बहुत बढ़िया। तो अभी कि क्या कुछ अभी भी दे रही होगी? दे रही जी। तो सारा कटड़ी को पिला देते हो? 2 लीटर जी, 2 लीटर दूध पिला। 12-13 लीटर दूध पिला। 12-13 लीटर दूध। देखें कितने महीने की ब्याई होगी ये? होगी जी 7 महीने 16 दिन की। और प्रेग्नेंट ये 5 महीने। 5 महीने। अब की बार किससे कराया इसको? मोदी से। मोदी से, लक्ष्मी डेयरी फार्म। ये देखें जी, काफी अच्छे जो सीमंस हैं उनका चुनाव करते हैं और उसी की तर्ज पे जो अच्छा पशुधन है वो अपने घर आंगन में तैयार करते हैं। जी सर एक बार इसको और थोड़ा सा घुमा करके दिखाएं। तो इनकी एक वीडियो कवर करी है, सोचा क्यों ना जो हीफर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारे आम पशुपालक या फिर जो युवा डेयरी किसान हैं उनको दिखाई जाए, उन तक पहुंचाई जाए। हीफर आप देखें, काफ़ी शानदार, शांत स्वभाव। हाइट लेंथ आप देखें, 1 साल 19 दिन की हुई है और 12 मई को बता रहे हैं 1 साल की हो गई। आज 31 मई 2022 को जो वीडियो है इनके घर आंगन से कवर कर रहा हूँ। ये देखें, माँ ने दूध वगैरह क्या कुछ दिया था अजीत सर? 20 जी। अच्छा 20 किलो। तो दोनों 20 किलो दूध की कटड़ी है, ठीक है। दोनों की जो माता का मदर का जो मिल्क रिकॉर्ड है वो 20 प्लस दूध की जो दोनों शानदार जो हीफर्स हैं आप देख सकते हो वो इन्होंने अपने घर आंगन से तैयार करी हैं। सेल करोगे? सेल करने का कोई विचार नहीं है, ठीक है। जितने भी पशुपालक भाई हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश? ये कहना चाहते हैं कि अच्छा सीमन है, यूज करें जी, ठीक है, ठीक है। अच्छी भैंस 14-15 लीटर दूध की भैंस हो। हाँ हाँ, अच्छा सीमन यूज करें, अच्छा सीमन यूज करें। कितनी मेहनत लग गई सर इसको तैयार करने में? तो जी बहुत ज्यादा है। जब दूध इनको पिलाते हो घर वाले बोलते नहीं सारा दूध इन्हीं को पिला देते हो हम क्या पियेंगे? नहीं बोलते, ठीक है जी। अच्छा रुचि इनकी जी, ये देखें जी, काफी जो घर वाले हैं संयम है और किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। इसी वजह से जो हीफर्स हैं वो ये तैयार कर पाए। तो उम्मीद करूंगा इनको देख करके आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप भी जो शानदार कटड़ियां हैं वो अपने घर आंगन में तैयार करेंगे बच्चे। तो जो भी पशुपालक भाई इस वीडियो को देख पा रहे हैं उम्मीद करूंगा सबको पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।